हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस समय मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बताना चाहूंगा जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मरकुस 4 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक बीज बोने वाले के दृष्टांत को बताते हैं, जिसमें बीज बोने वाला बीज बोता है। कुछ रास्ते के किनारे गिरते हैं, कुछ झाड़ियों में गिरते हैं और कुछ पथरीली जमीन पे गिरते हैं और कुछ अच्छी भूमि पे गिरते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो अच्छी भूमि पे बीज गिरा वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आया। जब मैंने ये पोर्शन पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाया, तब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आपने ऐसा क्यों कहा? आप कह सकते थे कि 100 गुना फल लाया, जो अच्छी भूमि पे बीज गिरा वो 100 गुना फल लाया। परमेश्वर ने मुझे इस सवाल का जवाब दिया। आइए हम देखते हैं कुछ पोर्शंस को। एक जगह एक बंदा जिसकी बेटी बीमार है, वो यीशु मसीह के पास आता और कहता है कि प्रभु, मेरी बेटी बीमार है, आप मेरे घर पे चलिए और उसे छुई, उसके सर पे हाथ रखिए और प्रार्थना कीजिए। और एक लहू बहने वाली स्त्री का, जहां वो कहती है कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और एक उदाहरण और बताना चाहूंगा कि एक सूबेदार जिसका सेवक बीमार था, वो यीशु मसीह के पास जाता है और कहता है कि मेरा सेवक बीमार है, आप उसे ठीक कीजिए। तब यीशु मसीह बोलते हैं, ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो वो सूबेदार कहता है कि परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर पे आए, मेरी छत के तले आए, आप यहीं से बस कह दीजिए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो इन तीन जनों के हम विश्वास को देखते हैं कि एक का विश्वास है कि मेरी बेटी के सर पे हाथ रख के यीशु मसीह छुएंगे तो वो ठीक हो जाएगी, और एक वो लहू बहने वाली स्त्री कहती है कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और एक सूबेदार जो कहता है कि परमेश्वर केवल बोल देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो हम यहाँ विश्वास के अलग अलग स्तर को देखते हैं। ये वचन हमारे विश्वास के बारे में बताता है कि जब परिस्थितियां सामान्य होती है तब हम कहते हैं कि हमें विश्वास है, लेकिन वहीं जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, हमारे विपरीत होती है, यहां तक कि हम उनको सह नहीं पाते, तब भी हमारा विश्वास वैसा ही होता है। तो हमें जांचना है हमारे विश्वास को, हमारे विश्वास के लेवल को जांचना है कि हमारा लेवल किस पे है, किस स्तर पे है। जिस तरह रबर को खींचने पे वो बढ़ता है, वैसे ही हमें हमारे विश्वास को और स्ट्रेच करना है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम हमारी हर एक परिस्थिति में उस पे भरोसा रखें। जब हम उस पे भरोसा रखते हैं वो हमें निराश नहीं करता। तो मेरे प्रियो, आज इस वचन से मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने विश्वास को और बढ़ाएं, ताकि हम हमारे जीवन से वो 100 गुना फल ला सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। आप सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।